हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ डॉट एंड की ब्रांड की वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन का। ये सनस्क्रीन बाकी सनस्क्रीन के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग है, इसीलिए ये प्रोडक्ट इनका बेस्ट सेलर प्रोडक्ट में से है। अगर आप इसे ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं इस सनस्क्रीन के कौन से यूनिक बेनिफिट की बात कर रही हूँ। और अगर आपने इसे अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आपको ये रिव्यू वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस सनस्क्रीन में ऐसा यूनिक क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट्स की। मेन इंग्रेडिएंट्स में इस सनस्क्रीन में वाटरमेलन है, बीटरूट एक्सट्रैक्ट्स हैं, हाइलुरोनिक एसिड है एंड कुछ सनस्क्रीन फिल्टर्स हैं। वाटरमेलन जितना खाने में डिलीशियस एंड रिफ्रेशिंग होता है, उतना ही ये स्किन के लिए हाइड्रेटिंग इन्ग्रीडियंट होता है। इस सनस्क्रीन में वाटरमेलन के एक्सट्रैक्ट्स हैं जो हेल्प करते हैं स्किन में वाटर को लॉक करने में, जिससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज रहती है। वाटरमेलन अनइवन स्किन टोन एंड स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है और स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। यही इस सनस्क्रीन का मेन बेनिफिट है। जब आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो आपको अपनी स्किन ठंडी फील होती है। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में जब सनरेज आपकी स्किन पे डायरेक्टली पड़ती हैं तो स्किन रेड एंड हॉट हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में आपको इसी टाइप की कूलिंग एंड कामिंग सनस्क्रीन की रिक्वायरमेंट होती है। हाइलुरोनिक एसिड भी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है और बीटरूट एक्सट्रैक्ट हेल्प करते हैं विटामिन डी को हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होने में। पैकेजिंग की बात करें तो ये सनस्क्रीन आती है एक प्लास्टिक ट्यूब पैकेजिंग में। ये ट्यूब काफ़ी हैंडी है और इसके साथ ही ये लीकेज प्रूफ भी है। हैंडी होने की वजह से आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं, ये ट्रैवल फ्रेंडली है। मूविंग ऑन टू टेक्सचर, तो इस सनस्क्रीन का टेक्सचर लाइटवेट जेल क्रीम की फॉर्म में है। ये बहुत लाइटवेट है, नॉन ऑयली है, स्किन पे वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है और स्किन को एक ड्यूई फिनिश देती है। सनस्क्रीन के मेन बेनिफिट्स हैं कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है। इसमें SPF 50 PA ट्रिपल प्लस रेटिंग के साथ है। ये स्किन को UVA, UVB, ब्लू लाइट एंड IR रेस से भी प्रोटेक्ट करती है। इस सनस्क्रीन का यूज़ आपको मॉर्निंग में ही करना है। इसे लगाना काफ़ी आसान है। आपको इसका सफिशियंट अमाउंट लेकर अपने फेस पे अप्लाई करना है। ये लाइटवेट होने की वजह से क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है, स्किन को ग्लोइंग एंड रेडियंट लुक देती है। स्किन पे वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये नॉन ग्रीजी है, इसलिए ब्लेंड करना बहुत इजी है। ये इतनी लाइटवेट है कि इसे आप अपने मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हैं स्किन को हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करने के लिए। इसे यूज़ करने के बाद आपको अपनी स्किन मॉइस्चराइज फील होगी, प्लस ये आपकी रेड या सेंसिटिव स्किन को कूल कर देगी। सनबर्न एंड टैनिंग से स्किन को प्रोटेक्ट करती है और इसके साथ अनइवन स्किन टोन एंड स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। ये सनस्क्रीन आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करती है और ना ही ये आपकी स्किन पे एक्ने या ब्रेकआउट करती है। ये नॉन कमीडोजेनिक एंड फ्रेग्रेंस फ्री है, इसलिए 100% सेफ है आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन पे कभी भी रिएक्ट नहीं करेगी एंड सूटेबल टू ऑल स्किन टाइप्स है। ये सनस्क्रीन टारगेट करती है सनबर्न, डलनेस, अनइवन स्किन टोन एंड टेक्सचर को, हीट एंड रेडनेस को। अगर आपकी स्किन पे भी ये स्किन कंसर्न्स हैं तो आप इस सनस्क्रीन को ज़रूर ट्राई करें। तो गाइज, ये था डॉट एंड की वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन का डिटेल रिव्यू। इस सनस्क्रीन को मैंने पर्सनली अपनी स्किन पे ट्राई किया है, ये मुझे काफ़ी पसंद आई है इसके कूलिंग सेंसेशन की वजह से, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है तो काफ़ी हीट हो जाती है स्किन में। इस सनस्क्रीन ने मेरी स्किन पे काफ़ी इफेक्टिवली वर्क किया है। बस इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि ये वाटरप्रूफ नहीं है, इसलिए इसे आपको हर 3 to 4 hours में रीअप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन रीएप्लीकेशन इसका काफ़ी इजी है क्योंकि ये काफ़ी लाइटवेट है। तो चलिए अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल।